देख रहा होगा, जो ठंड में रह रहा होगा, वही जान सकता है। तो दोस्तों, आज बड़ा ही साफ सुथरा मौसम दिख रहा है। तकरीबन आज दोपहर को 3 बजे मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई है। हल्की फुल्की धूप भी निकली थी, लेकिन हवाएं चल रही थी। उस हवा का या उस साफ मौसम का कोई इतना रोल नहीं था। आपको दिख रहा होगा कि मौसम क्लैरिटी से दिख रहा है, लेकिन ठंड एकदम से सबको परेशान कर रही है और ठंड अपना रुख भी दिखा रही है। तो जय श्री राम दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इस ठंड से बचने के लिए आप सबको हमेशा गर्म कपड़े, स्वेटर, कोटी, जैकेट, ग्लव्स, सॉक्स, ये सब का इस्तेमाल करना होगा और अपने शरीर को बचाना होगा। अगर आप अपने शरीर को फिट एंड फाइन रखते हैं तो आप समझ लो कि आप अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने यार दोस्तों को सेफ़ रख सकते हैं। सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि आप अगर सेफ़ हैं तो किसी और को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए सब सेफ़ हैं। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, किसी ठंड का शिकार हुए पड़े हैं, ठंड का शिकार हो जाएंगे, तो काफ़ी सारे दोस्त भी आपके परेशान हो जाएंगे, घर वाले परेशान हो जाएंगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे, आपकी परेशानी को अपना परेशानी समझकर वो भी काफ़ी परेशानी में रहेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि मौसम ठंड का है, महीना जनवरी जा रहा है, और जिसको देसी में इस महीने को महीना पौष और डोगरी भाषा में इसको पौ कहा जाता है, तो ये पौष का महीना है, बहुत ठंडा है। और ठंड से बचने के लिए एक ही रास्ता है, आप गर्म कपड़े पहने, शूज़ पहने, हमेशा अपने आप को बचाएं। काम काज तो कंपलसरी है, काम काज चलता रहेगा, और काम के बिना हम लोगों का गुजारा भी नहीं होता। इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन काम को नहीं रोका जाएगा और काम नहीं रुकेगा, सिर्फ हमने अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना है और हमेशा अपने आप को सेफ रखना है। आप देख सकते हैं सामने में हमारे एक भाई साहब आग जला के बैठे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि इसके अलावा कुछ मुश्किल है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक भाई साहब आग जला के बैठे हुए हैं और आपको मैं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं ठंड ने कैसा कोहरा मचाया हुआ है कि सब, आप पहुँच रहा हूँ पास में, आप देख सकते हैं, देखो। तो ये है एक्चुअल में, यहाँ पे सूरज निकले बहुत सारे दिन हो गए हैं। आज 26 दिसंबर से आज तक यहाँ सूरज ने आप अपनी एक भी झलक नहीं दिखाई, उसके कारण आग का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड ही इतनी ज़्यादा है और इस ठंड को बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो इसलिए आप सब अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गर्म कपड़े डालें और जहाँ कहीं आग का इस्तेमाल हो तो वो कर सकते हैं। तो जय श्री राम, जय श्री राम।
तो सब दोस्त अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें।